पतंजलि संस्थान से जुड़े स्वप्न जी के आमंत्रण पर दिनांक 4 मार्च को शिवरात्रि के पावन अवसर पर परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज व श्रद्धेय यशदेव शास्त्री जी पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के कोलसर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने पावन कर कमलों से कर्मदेव शिव मंदिर का उद्घाटन किया। मंदिर उद्घाटन के पश्चात मंदिर भ्रमण किया। मंदिर भ्रमण के पश्चात सभी का आगमन मंच पर हुआ। स्वागत के क्रम में महिलाओं ने स्वागत गीत व बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी और आशीर्वाद प्राप्त किया। शंखदीप बच्चा है, छोटे से गांव में पढ़ता है 10वीं कक्षा में, और योगाभ्यास भी करता है। और जो योगाभ्यास करते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं बच्चे, स्टडी में भी अच्छे होते हैं, करेक्टर में भी अच्छे होते हैं, स्ट्रक्चर में भी अच्छे होते हैं। तो इसको पतंजलि की तरफ से च्यवनप्रास और 11,000 का इसको पारितोषिक देते हैं। पकड़ो इसको, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम ओम। गांव का बच्चा है, बहुत अच्छा। इधर से सबसे पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी से आशीर्वाद लो, डॉक्टर शास्त्री। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल के पतंजलि के कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न संगठनों ने पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी व श्रद्धेय यशदेव शास्त्री जी का भव्य अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आए काथी लोकसभा सांसद श्री शिशिर अधिकारी जी व विधायक सुकुमार डे जी का भी स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात सभी गणमान्य जनों ने दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात इस उद्घाटन कार्यक्रम में आए सभी गणमान्य जनों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, ओम त्र्यंबकम् सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्, उर्वारुकमिव बंधनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रथम तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबके जीवन में शिवत्व आए। ये शिवोपासना का पर्व है शिवरात्रि, और शिव की उपासना करने का अर्थ है स्वयं के भीतर, अपने में, अपने शरीर में, अपने प्राणों में, अपने मन में, अपनी आत्मा में शिवत्व को जगाना। और हम स्वयं शिव स्वरूप ही हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलो, शिवोहम, 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 शिवोहम। अहम् ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म, अयम् आत्मा ब्रह्म। ये हमारा मूल अध्यात्म का, धर्म का उपदेश है। हम सब आत्माएं शिव स्वरूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं, कल्याण स्वरूप हैं। ये शिव की उपासना का तात्पर्य है कि अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल स्वभाव से, हम स्वभाव से ही सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव शिवरूप आत्मा है, और यही शिव की उपासना का अर्थ है। अब कुछ लोग
कहते हैं शिव तो भांग पिया करते थे, शिव तो सुल्फा गांजा भांग धतूरा खाते थे, नहीं, शिव कोई नशा नहीं करते थे। हम अपने ही भगवान को लांछित करते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, नहीं, अपने भगवान चाहे शिव हैं, चाहे राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे हनुमान हैं, चाहे वो हम दुर्गा के रूप में, जगदम्बा के रूप में, जिस भी स्वरूप में हम भगवान को मानते हैं, तो भगवान निर्दोष हैं, कोई दोष भगवान में नहीं। भगवान स्वयं निर्दोष और उनकी सारी रचना भी निर्दोष है। इसलिए अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आत्मा को निर्दोष बनाना, ये योगाभ्यास किसके लिए करते हैं? अपने शरीर में जो दोष होते हैं, जो रोग होते हैं, जो विकार होते हैं, डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल तो कितना हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, बहुत तरह का बीमारी हो गया है। ये सारी बीमारी ये हट जाए, इसके लिए हम योग करते हैं। आप में से कभी तो कोई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि कभी नहीं जाते? घर में छोटे बच्चों को भी बीमारी होती है, बच्चों को डायरिया होता है, बच्चों को फीवर होता है, बच्चों को कफ एलर्जी होता है, और बड़ा होता है तो बीपी शुगर होता है, फिर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, फिर घुटना दुखता है, फिर कमर दुखती है, बैकएक होता है, नी पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, अस्थमा होता है, अभी तो ऐसा लिए एमएस ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर भी होता है। लेकिन आप योग करेंगे तो कोई रोग नहीं होगा। इसलिए हमने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया है, करो योग रहो निरोग। क्या बोलते हैं हम? करो योग, ऐसा एक नियम बनाओ कि सुबह एक बार कम से कम योग करना है। सुबह क्या करना है? योग, सुबह उठ के टॉयलेट जा कर के योग और यज्ञ, योग और यज्ञ, यही हमारी भारतीय संस्कृति के दो मूल आधार हैं, योग और यज्ञ। दो संस्कृति के मूल आधार क्या हैं? योग और यज्ञ। योग करते थे, यज्ञ करते थे। अब योग की जगह हो गया भोग, भोग करने लग गए, सब भोग में पड़ गए, यज्ञ भूल गए। यज्ञ में तो हवन हव्य देते हैं, घी सामग्री, और वो अनंत गुणा करके आकाश में भेजता है उसको। सारे देवताओं का मुख है अग्नि, सारे देवताओं का मुख क्या है बोलो? अग्निर्वै देवा नाम मुख। देखो अग्नि क्या है, जैसे हमारे शरीर में मुख है ना, मुख में डालो तो ब्रेन को पहुंच जाता है, हार्ट को, स्किन को, बोन को, लीवर किडनी को, कोई भी शरीर को कुछ भी ताकत चाहिए तो सारी चीज कहां डालते हैं? मुख में। तो ऐसे सारे देवी देवताओं का मुख क्या है? अग्नि। सारे देवी देवताओं का मुख क्या है बोलो? अग्नि। तो अग्निहोत्र उसको कहते हैं, यज्ञ कहते हैं उसको, इष्टि भी कहते हैं। तो अग्निहोत्र करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, एक अग्निहोत्र करने से। ऐसा तो अग्निहोत्र करते हैं हम, लेकिन कुछ अग्निहोत्र ऊपर से भी करते हैं, मुख से वो करते हैं, सिगरेट पीते हैं। सिगरेट अभी पहले तो ज्यादा पीते थे, अभी थोड़ा डाउन हुआ है, नहीं तो पहले सिगरेट बहुत पीते थे। अभी तो मैं देखता हूं पश्चिम बंगाल में भी सिगरेट पीना थोड़ा कम हुआ है। पहले इधर ही आईटीसी कंपनी था, उसने खूब सिगरेट पिलाया सबको लेकिन लेडीज नहीं पीती, लेडीज थोड़ा सुपारी पान और तांबूल और उसमें कुछ कुछ तो फिर थोड़ा तंबाकू भी डाल लेते, ये भी अच्छा नहीं। ज्यादा तांबूल खाते हो उसमें सुपारी और साथ में चूना लगाते हो, तंबाकू लगाते हो, उससे क्या होता है? मुक्का, बोलो जोर से बोलो, कैंसर होता है लेकिन आप धीरे धीरे
जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसे छोड़ रहे हैं। तो तंबाकू, बहुत ज्यादा सुपारी खाना और सिगरेट पीना, और इधर दारू भी पीते हैं कि नहीं पीते लोग? नहीं पीते। कोई भी काम हम फायदे के लिए करते हैं, बेनिफिट के लिए करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लीकर, वाइन, दारू, शराब? इसका फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, सिवाय हानि के। तो ये तो नहीं करना। तो सुबह उठ के क्या करना, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, जोर से बोलो, सुबह किया करो। भगवान शिव योगी थे, महायोगी। शिव क्या थे बोलो? महायोगी। शिव क्या थे बोलो? महायोगी। और उनको आदि योगी भी कहते हैं, आदि योगी महायोगी। हम उनके उपासक हैं। तो जब वो योग महायोगी थे, तो हमको योगी तो होना। तो करके देखो ना, एक बार सांस भरो, जितना स्ट्रांग होना चाहिए। हम तो हेल्दी है ना, हमको ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, बैकएक नहीं है, तो हम ऐसे जोर से करते हैं। ऐसे 5 मिनट करते हैं, कितनी देर करते हैं? फिर हमको सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं तो कफ, एलर्जी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और देखो, भगवान शिव को तुम देखते हो, तो भगवान शिव का बॉडी देखो कितना स्ट्रोंग है। और आजकल के जवान लड़कों का फोटो खिंचवाओ, शर्ट निकाल के, तो पूरा एक्सरे आएगा। स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग ब्रेथ होना चाहिए आपका। हा? ये इसका नाम क्या है बोलो? भस्त्रिका। फिर ये 2 से 5 मिनट सबको सिखाओ, बच्चों को भी सिखाओ। दूसरा है, कपाल भाती, क्या बोलते हैं इसको? से लाउडली, जोर से बोलो, कपाल भाती। जो कपाल भाती करेगा, फिर उसका पेट मोटा, पहले किसी का पेट मोटा नहीं होता था, अभी सबका पेट ऐसे 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 चलता है, बहुत खराब खराब लगता है। किसी का पेट मोटा नहीं होना चाहिए, पेट पतला, ए तेरा पेट मोटा है, ये करना, छोटा हो जाएगा। पेट मोटा होता है तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, पेट मोटा होता है तो डायबिटीज होता है, पेट मोटा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पेट मोटा होता है तो आयु भी कम होता है, और पेट मोटा होता है तो फिर बाद में कमर में दर्द भी होता है, और पेट मोटा होता है तो फिर घुटने में भी दर्द होता है। ये करना, इसका नाम है, क्या बोला था अभी, जोर से बोलो, कपाल भाती। ये पेट इतना हल्का हो जाना चाहिए कि फिर तुम इसको बीच से निकाल के ऐसे घुमा सको। देखो टीवी पर देखते हो ना मुझे, फिर योग भी करते हो ना कभी कभी, कुछ तो रोज करते हैं। ऐसे घूमेगा तुम्हारा,
अभी तो पूरा ट्रैफिक जाम है। पेट हल्का होना चाहिए, बॉडी भी माइंड भी हल्का होना चाहिए। कुछ लोग बहुत भारी भारी हैं, शरीर भी भारी, तन भी भारी, मन भी भारी। बोझ लेके नहीं चलना, हल्का रहना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अनुलोम विलोम। क्या है बोलो? कुछ तो अनुलोल विलोल कुछ बोलते रहते हैं। अनुलोम विलोम, लेफ्ट नॉस्टिल से राइट ब्रेन। लेफ्ट नॉस्टिल से क्या ठीक होगा बोलो? राइट ब्रेन। राइट नॉस्टिल से लेफ्ट ब्रेन, और इससे स्ट्रेस एकदम मेंटेन हो जाता है। अनुलोम विलोम से क्या मेंटेन हो जाता है? स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, ये सब प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, वो सब ठीक हो जाता है। तो अनुलोम विलोम से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, ये सब ठीक होता है। और कपालभाति से, इधर का कपालभाति से पूरा इंजन ठीक होता है, पूरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक हो जाता है। इधर लीवर है, इधर स्प्लीन है, बीच में इंटेस्टाइन है, फिर पैनक्रियाज है, माता बहनों का यूट्रस ओवरी है, पुरुषों का प्रोस्टेट है, टेस्टिकल्स है, फिर इधर स्टमक है, इधर हार्ट, लंग, थायराइड, पैराथायराइड। ये कपालभाति से इंजन, इंजन ठीक होगा कपालभाति से, और ड्राइवर ठीक होगा अनुलोम विलोम से। इंजन गड़बड़ होता है तो गाड़ी बैठ जाएगा, और ड्राइवर गड़बड़ होगा तो गलत रास्ते पर गाड़ी लेके जाएगा। ये दिमाग, ब्रेन, थॉट प्रोसेस नेगेटिव होगा तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है, रास्ता भटक जाता है। मंजिल तक पहुंचना है, हमारा जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, उसको पाना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करना है। जीवन में हेल्थ भी पाना है, वेल्थ भी पाना है, प्रॉस्पेरिटी भी पाना है, सक्सेस भी पाना है, अपना कुलवंश का, राष्ट्र का, अपना मातृभूमि का गौरव भी बढ़ाना है। जिंदगी बहुत महान है, जीवन बहुत महान है, इसको बड़े उद्देश्य के लिए जीना, गलत काम के लिए नहीं जीना, छोटे उद्देश्य के लिए नहीं जीना। नेगेटिव थॉट्स, क्या बोला? नेगेटिव थॉट्स, देन नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव एक्शन, तीन ही हमारे पास शक्ति है। मेरे साथ बोलो ज्ञान शक्ति। क्या है बोलो? ज्ञान शक्ति। दूसरी है भाव शक्ति। क्या है बोलो? और तीसरी है कर्म शक्ति। क्या है बोलो? कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति। योग करने से ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति राइट डायरेक्शन में लगती है। यही है मानव से महामानव, दिव्य मानव बनने की, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म होने की प्रक्रिया। में बोल रहा था ना, अम्रमास्मि शिवोहम, शिवोहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। चलो आज शिवरात्रि है, तो अभी तो भगवान शिव के थोड़ा अंश तो पालो, थोड़े अंश में तो शिव बनो। अनुलोम विलोम करो, सभी करो, करके देखो। जो स्टूडेंट करेंगे ब्रेन शार्प हो जाएगा, मार्क्स अच्छे आएंगे, मेमोरी शार्प होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। करके देखो ये बच्चों, खड़े खड़े करके देखो। तुम्हें बहुत देर होगी खड़े खड़े, खाली सो नहीं रहो। करो, सब करो, छोटे बच्चों। यह अनुलोम विलोम, क्या बोलते हैं इसको? फिर भ्रामरी, ऐसे कान बंद करके, मुख बंद करके, पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली ऐसे आंखों पर रख करके, ऐसे ओंकार का नाद करते हैं। ऐसे दोनों हाथ ऐसे लगा के, और नाद योग। फिर ओम बोलते हैं, सब मेरे साथ एक बार ओम बोलो जरा। ओम।
बार सब बोलो ओ। ऐसे ओम बोलते, ओ को लंबा बोलते ओ। मैं को थोड़ा कम बोलते हैं, ये तरीका है। ओम भगवान का सबसे बड़ा नाम है। ओम किसका नाम है बोलो? भगवान का सबसे बड़ा नाम है। सारे ऋषि मुनि भगवान राम कृष्ण शिव सब ओंकार का जप करते थे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी कहा तस्य वाचकः प्रणवा तजपस्तदर्थ भावनम। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। उपनिषदों में कहा ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम कृतो स्मर। वेदों में कहा कृतम स्मर। हाँ तो ओम ओम का जप करना, और जो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करना, गायत्री का जप करना, जो उपासना है त्र्यंबकम यजामहे इस महामंत्र का जप करना, और जप तप करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुबह योग करना। सुबह क्या करना बोलो? योग करना। तो सबको योगी बनना है। क्या बनना है सबको बोलो? योगी। और शिव क्या थे? महायोगी। शिव क्या थे बोलो? महायोगी। गीता का एक श्लोक है मेरे साथ बोलो, तपस्वीभ्यो अधिको योगी। इतनी संस्कृत तो आती है, तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकाः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। सबको योगी होना है। हमारे सारे पूर्वज सारे देवी देवता अवतारी पुरुष सब महापुरुष सब योगी थे। सब क्या थे हमारे पूर्वज? योगी। क्या करना है? योग। क्या करना है सबको बोलो? जोर से बोलो। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब सुबह सुबह योग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सोते रहेंगे। सुबह जल्दी उठना। सुबह क्या करना बोलो? जल्दी उठो, उठ करके दौड़ लगाओ, योग करो, अपने आप को बॉडी को फिट बनाओ। हाँ सुबह जल्दी उठना, योग करना, और सुबह उठ करके चाय नहीं पीना। सुबह उठ के क्या पीना? पानी पीना। और किसी का पेट खराब हो तो गर्म पानी पीना। सुबह उठ के क्या पीना बोलो? और पानी खड़े खड़े नहीं पीना, पानी ऐसे बैठ के पीना, ऐसे ऐसे बैठ के पानी पीना चाहिए। जो खड़े खड़े पानी पीते हैं तो उनको 25-30 साल 25-30-40 के बाद उनको फिर घुटना कमर और जॉइंट में पेन होने लगता है। इसलिए खड़े होके पानी नहीं पीना, और पानी को धीरे धीरे पीना। इसलिए बांग्ला में क्या बोलते हैं? जल खावो, खाओ पियो मत। उसको तुम घट 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 पीना नहीं, धीरे धीरे जल खावो धीरे धीरे। हाँ फिर सुबह उठ के पानी पीना, टॉयलेट आदि होके योगाभ्यास करना, नाश्ता थोड़ा खाना, ब्रेकफास्ट ज्यादा नहीं करना, और फिर लंच और डिनर में भी खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, दूध के साथ नमक नहीं खाना। खास बात, जब भी खाना खाओ तो फ्रूट्स एंड सलाद वो सब पहले खाना, फ्रूट और सलाद बाद में नहीं खाना, चबा चबा के खाना। कुछ लोग तो इतना जल्दी जल्दी खाते हैं जैसे कोई चोरी का बाल खा रहा हो। हाँ खट 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 ऐसे ऐसे मिलाएंगे वो पूरा शाक भाजी सब मिला के ठक ठक 5 मिनट में पूरा खाना खत्म। ये कोई चोरी का माल है, तेरा घर का है, धीरे धीरे खा। बीवी खाना बनाती है तो कम से कम 2-4 घंटा लग जाता है, और ये 2 मिनट में खत्म कर देता है। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। खाना धीरे धीरे खाना। खाना कैसे खाना बोलो? धीरे धीरे खाना। हाँ खाना चबा चबा, खाना लिक्विड हो जाना चाहिए चबाते चबाते। आयुर्वेद का सिद्धांत बोलते हैं 32 बार चबाना। कितनी बार? 32 टाइम्स उसको ऐसे चबाना चाहिए।
और यहां तो 36 बार क्या 6 बार इधर मारा इधर मारा 6 बार में अंदर नहीं, फिर खाना पेट भर के नहीं खाना, एक पोर्शन फूड, वन पोर्शन फूड, दूसरा पोर्शन पानी, थर्ड पोर्शन एयर हवा, पानी जल हवा फूड खाना, तीन हिस्सा, चौथा खाली, ऐसे चार पार्ट हो गया भोजन का, कितना हुआ पार्ट, चार, एक खाली, तो वो घूमना भी तो चाहिए खाना, वो पूरा खा करके पूरा पैक कर दिया नहीं, एक पार्ट खाली, एक में हवा, एक में पानी और एक में खाना, लेकिन पानी खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, तुरंत नहीं, ऐसे छोटे छोटे नियम है। और जिनको अर्थराइटिस है उनको खट्टा नहीं खाना, जिनको अस्थमा है उनको ठंडा और घी नहीं खाना, जिनको एसिडिटी है उनको तीखा नहीं खाना। वात पित्त कफ, कितनी प्रकृति होती है हमारी, तीन, कितने प्रकार की प्रकृति होती है, क्या बोला, वात पित्त कफ, अपनी प्रकृति देख करके खाओ, हाँ ऐसे खाने पर ध्यान दो। फिर बड़ी बड़ी बीमारी तो घर में ठीक हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो जो लौकी होती है, लोगों को क्या बोलते हैं बांग्ला में, लाव, तो लाव का जूस पियो, लाव का जूस पीने से ब्लड प्रेशर, ओबिसिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रोल, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाता है लाव, लेकिन कड़वा नहीं होना चाहिए, कड़वा आता है कभी कभी, रेयर, वो नहीं पीना, हाँ लाव, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ओबिसिटी, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए, और एसिडिटी, उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर खीरा करेला टमाटर का जूस, ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। छोटी छोटी चीजों से आप अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो। इसके लिए पतंजलि ने सारे प्रोडक्ट बनाए। यहां स्वदेशी का आंदोलन 1902 में बंग भंग के बाद यहीं से शुरू हुआ था, और उसी स्वदेशी के आंदोलन को पतंजलि ने जमीन पर उतारा और विदेशी कंपनियों के पैर उखाड़े। और हमारा लक्ष्य है कि जैसे विदेशी अंग्रेज देश छोड़ करके गए, ऐसे विदेशी कंपनियां भी देश को लूटना बंद करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोका कोला, पेप्सी, लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, ये जो विदेशी कंपनी है, ये कोई कंपनी अपना देश में कोई चैरिटी, कोई सेवा, कोई देश के लिए भलाई का काम करती है? आपने सुना कभी कोका कोला वालों ने, पेप्सी वालों ने, यूनिलीवर वालों ने, लक्स लाइफबॉय, फेयर एंड लवली वालों ने, जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने, या जो भी ये विदेशी कंपनियां हैं, हेड एंड शोल्डर वालों ने, सनसिल्क वालों ने, आपके यहां पर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गौशाला, धर्मशाला, कोई पुण्य का काम किया? पतंजलि योगपीठ ने 11,000 करोड़ रुपए का चैरिटी का काम किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, गो सेवा में, भारत माता की सेवा में, योग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, नेचुरोपैथ का सबसे बड़ा वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट, रिसर्च का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, और आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, एजुकेशन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट, ये सब किसके लिए किया, भारत के लिए। ये सारी विदेशी कंपनियां देश का पैसा लेके जाती है विदेश में, विदेशी कंपनियां देश का पैसा कहां लेके जाती है बोलो, विदेश में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए, जोर से बोलो। लेकिन जब आप लक्स लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, पियर्स और हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस और ये सब लेकर के आते हो अपने घर में, कोका कोला, पेप्सी, कोई भी, ये सब घर में, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोज अप, ये सब क्लोज करो हाँ, कोलगेट का गेट बंद करो अब, कोलगेट ये विदेशी कंपनी, जितना भी ये ज्यादातर कंपनियां था, इसमें कोई स्वदेशी कंपनी खड़ा ही नहीं हुआ इनको कंपटीशन देने के लिए। ये तो पूरे देश के लोगों के आशीर्वाद से, समर्थन से, उनके ब्लेसिंग से, उनके कंट्रीब्यूशन से, और उनके डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, उनके फेथ, उनके लॉयल्टी, उनके भरोसे और विश्वास से, पहली बार इस देश में 100 साल के बाद एक स्वदेशी ब्रांड खड़ा हुआ, उसका नाम है पतंजलि, उसका नाम है दंत कांति, उसका नाम है केश कांति, हमने खड़ा किया। और किसके लिए खड़ा किया, कि इससे देश का पैसा कहां रहे, देश में, देश का पैसा कहां रहे बोलो,
और देश की सेवा में लगे। और इसमें हम लोगों ने मिल करके इस सेवा शुरू की। आज पतंजलि योगपीठ, जिसमें मैंने कहा हम लोग ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं, मैं ट्रस्टी हूँ, पूज्य मुक्तानंद जी उसके ट्रस्टी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी ट्रस्टी हैं। द फिलॉसफी ऑफ ट्रस्टीशिप ये महात्मा गांधी ने हमको दिया कि वी आर नॉट ओनर, वी आर ओनली ट्रस्टी। द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दिस इज नॉट अवर गोल, द सर्विस ऑफ नेशन दिस इज अवर गोल। कैसे हमारा देश समृद्धशाली परम वैभवशाली बने, मुझे क्या मिला ये बड़ी बात नहीं, मैंने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, इस संकल्प के साथ हमने स्वदेशी अभियान शुरू किया। दंत कांति जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा अलग अलग फ्लेवर चाहिए, फ्रेशनेस चाहिए, तो उसके लिए फ्रेश एक्टिव जेल हमने बना दिया, रेड फ्रेश एक्टिव रेड जेल। फिर जो सेंसिटिव हैं जिनके दांत, तो दंत कांति उसके लिए मेडिकेटेड, छोटे बच्चे हैं तो दंत कांति जूनियर, और जिनको बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो है फ्लेवर की आदत पड़ी हुई, तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो दंत कांति एडवांस। ऐसे दंत कांति बालों के लिए केश कांति, मकसद एक है, आपको अच्छा उत्पाद मिले और देश का पैसा कहाँ रहे, देश में, और देश की सेवा में लगे। इस संकल्प के साथ हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, ये जो हमारी करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति है उसका अभियान शुरू किया। ये भारत साधारण देश नहीं है, हमारे पूर्वजों ने दुनिया का सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम दुनिया को दिया, विश्व में सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सर्जरी, मेडिसिन, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये पूरा स्पिरिचुअल सिस्टम, ये सारा ढांचा हमारे पूर्वजों ने दुनिया को दिया। आज उस देश के हम वासी हैं और अपने ऊपर गौरव करना सीखें, अपने पूर्वजों पर गौरव करना सीखें, अपने पूर्वजों की तरह साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें, और सब जैसे हमारे पतंजलि के कार्यकर्ता खूब अच्छी सेवा दे रहे हैं, हमारी बहनें बहन पापिया जी, महामाया जी आदि सब मिल करके बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, हमारे सब भाई यहाँ पर खूब अच्छी सेवा दे रहे हैं। ऐसे योगी बनो, सबको योग कराओ, हमारे मंदिरों में, स्कूलों में, सब जगह योग का प्रचार हो, क्योंकि योग का प्रचार होने से एक स्वस्थ भारत बनेगा, एक समृद्ध संस्कारवान भारत बनेगा। ऐसे संकल्प के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे और एक नियम लेकर के जाएंगे। आज अभी मेरे साथ में मिलकर के एक बार आप एक संकल्प लेंगे और कि हम योग करेंगे प्रतिदिन, क्या करेंगे बोलो, जोर से बोलो, योग करेंगे, कोई योग को इधर जोग भी बोलता है, योग करेंगे, जोग करेंगे, एक संकल्प लो। देखो एक एक व्रत से, एक एक संकल्प से हमारा जीवन बहुत महान हो जाता है। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया करें, छोटे छोटे व्रतों से हमारा जीवन महान बनता है, छोटे छोटे व्रत हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं की बदौलत हम जीवन में कुछ बड़ा काम कर पाते हैं। तो आप लोग एक व्रत तो ये लेके जाओ, प्रतिदिन योग करना है, क्या करना है बोलो, प्रतिदिन योग करना है, और दूसरा स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करना है, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और विदेशी भगाओ। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, विदेशी भगाओ, हटाओ। देखो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से नारा गूंजा था, महात्मा गांधी ने यहीं से भंग भंग के बाद विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, और हमारे सभी पूर्वजों ने बंकिम चंद्र जी से लेकर के और हमारे जितने भी क्रांतिकारी यहां पर हुए, उस सब ने स्वदेशी के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब उसको जीने की जरूरत है। तो हम छोटी छोटी बातें होती हैं, हम लोग
एक घर में एक आदमी कोलगेट लेकर के आता है तो समझ लो उस घर से एक बार में कोलगेट लाने से 20 रुपया कोलगेट वालों को चला गया। ऐसे तो टोटलिटी में 40-50 रुपए चला गया। छोटा भी पैक ले गएगा वो 20 ग्राम होता है 18 ग्राम होता है कितना, तो भी 10 रुपए चला गया। कोई भी बड़ा पैक लेके आते हो तो 40-50 रुपए से नहीं मिलता, एडवांस लेकर के आओगे तो 150 रुपए का मिलता है। आप एक कोलगेट लेके आते हो तो 50-100 रुपए विदेशी कंपनी को दे देते हो। आप एक साबुन लेके आते हो तो 25-30 रुपए 40 रुपए जो है डव का इस्तेमाल करते हो तो 20-40 रुपए आप विदेशी कंपनी को दे देते हो तो एक साबुन के बदले में, एक शैंपू के बदले में आप 75 से लेकर के 200 रुपए एक विदेशी कंपनी को दे देते हो। आपके घर से थोड़ा थोड़ा निकलता है, ऐसे पूरे देश से हर साल करीब 50 लाख करोड़ रुपए विदेशी कंपनियां ले लेती है। कितना बोलो, जोर से बोलो, 50 लाख करोड़। इसलिए हम कहते हैं कि इस देश को हमें रोग मुक्त करना है, ये तो एक बात है, नशा मुक्त करना है, अलग अलग प्रकार का नशा हम करते हैं उससे मुक्त करना है, और इसके साथ साथ विदेशी कंपनियों की लूट हमारे खेतों से लेकर के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब विदेशी कंपनियां, मॉन्सेंटो से लेकर के तमाम विदेशी कंपनियां, खेतों में विदेशी कंपनियां, हमारे घर में टॉयलेट में हमारे किचन में। अब आप लोग तेल यूज करते हो उसमें क्या है तेल, अब कुछ तो देसी कंपनियां हैं, कुछ इसमें आधी देसी कुछ आधी विदेशी कंपनियां हैं। अब नाम है नेचर फ्रेश, ब्रांड का नाम क्या है बोलो, नेचर फ्रेश, लेकिन है वो विदेशी कंपनी। नाम है कारगिल, आप सोचते हो कि कारगिल तो यही अपने युद्ध हुआ था, वो कारगिल युद्ध नहीं है, वो कारगिल कंपनी है, वो विदेशी कंपनी है, आपको पता ही नहीं लगता। हमारे घर में मोबाइल से लेकर के गाड़ी से लेकर के टॉयलेट की सीट से लेकर के हमारे पेन से लेकर के हमारे हर चीज में विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं, और करीब 50 लाख करोड़ रुपए पर इनका कब्जा है। कितना बोला, जोर से बोलो, 50 लाख करोड़। तो ये भी एक संकल्प लेके जाएं कि हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार, हम किसी को हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे, किसी को मारकाट के लिए नहीं बोल रहे, हम कोई लॉ को वायलेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सब ने मिलकर के इस भारत को भारत बनाया है, और आज भारत की ताकत पूरी दुनिया मान रही है। हमको इस देश को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वदेशी का जो विचार है, संकल्प है, स्वदेशी का जो उद्योग है, उद्यम है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये एक मैंने कहा कि स्वदेशी का संकल्प लें, और दो तीन छोटी छोटी बात, सुबह उठ करके मेरे साथ बोलो माता भूमि ही, जोर से बोलो, ये छोटी छोटी बात तो सीखो, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ये वेद का मंत्र है। ये हम यहाँ जो हमारी दीदी भी माँ मानुष माटी की बात करती है ना, तो ये क्या है, ये माटी हमारी माँ है, इस माटी को क्या कहे हमारे यहाँ माँ, और ये वंदे मातरम का गीत भी यहीं से गूंजा है राष्ट्र की आज़ादी के लिए। तो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के इस माटी की महिमा गाई है हमारे पूर्वजों ने, इसलिए कि माँ के समान है ये माटी। सुबह उठ करके धरती माँ को प्रणाम करना, उठ के किसको प्रणाम करना, धरती माँ को, फिर अगला माता पिता को, मेरे साथ बोलो मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा अतिथि देवो भवा राष्ट्र देवो भवा, यह हमारी संस्कृति है। माता पिता इस धरती के भगवान हैं, उनके चरणों में सब तीर्थ सब धाम, फिर अपना जो कर्म है उसको धर्म मान करके करना, कर्म को क्या मानना, अपना धर्म मानना है ना। हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते, आपसे एक ही चीज चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, न्याय के मार्ग पर चलो,
ईमानदारी के सच्चाई के मार्ग पर चलो। बोले सच्चिदानंद भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, हर हर महादेव। तो चलो, आपको हमने खूब रोक के रखा, तो एक बार अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आप भी पूरे जमने वाले हो, उखड़ने वाले हो नहीं आप। वैसे पश्चिम बंगाल के लोग जहाँ खड़े हो जाएं, जहाँ अड़ जाएं, जहाँ जम जाएं, वहाँ फिर उखड़ने का नाम नहीं लेते हैं। तो चलो, अब एक बार सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे अब, और सब एक बार ओम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर का उद्घाटन किया है ना, तो जरा जाप करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो हमारे शिष्य अधिकारी जी आगे, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और मैं उनका पूरे यहाँ पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां, बहुत बहुत आपको अभिनंदन। हमारे एमपी भी और बड़े भी है हमारे। तो एक बार पूज्य मुक्तानंद जी, ये हमारे बड़े भाई, हम लोग 30 साल से साथ में रहते हैं। और पतंजलि योगपीठ का हमारा, हम लोग 3 मूल ट्रस्टी है, पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी, मैं और पूज्य आचार्य भाक्षण जी। इधर आओ, इधर बीच में आओ। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए। हमारा मेदिनीपुर का ये स्वामी जी ने हमको बहुत ऊर्जा दिया है, बहुत ताकत दिया है, बहुत सेवा किया है, बहुत साथ दिया है, और इसलिए आज हम यहाँ आपके इस छोटे से गांव में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव मंदिर के उद्घाटन के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सपन का भी, हमारे मोंटो का भी, और उत्तम का भी।